साइमन स्क्वायर क्लास सेवन के बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट यानी वातावरण वातावरण के बारे में कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, जिसे तुम लोग ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात कि एनवायरमेंट यानी वातावरण है क्या। यह हमारे लाइफ का एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, जिसको हम सभी तमाम ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव इसे मॉडिफाई भी करते हैं, यानी इसका नवीनीकरण भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसका पॉल्यूशन भी करते हैं, यानी हम इसको प्रदूषित भी करते हैं। इसलिए इस चीजों को जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि व्हाट इज दिस। दिस इज एनवायरमेंट इज ए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड देन वी ह्यूमंस व्हिच वी मॉडिफाइड इट एंड एज वेल एज पॉल्यूटेड। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एनवायरमेंट। द बेसिक फर्स्ट थिंग इज दैट दिस एनवायरमेंट आर नेचुरल, सेकेंड मैन मेड एंड देन द ह्यूमंस। These are the factors which make our environment. How these factors is making our environment? Now we have to discuss regarding these things. The very first thing is that natural, yani prakritik. Prakritik में कौन सी चीजें आई? जल, जमीन और क्या आया? वायु। इसके अलावा यानी land, water and air which we breathe in. Now the second thing is that man-made. हम लोगों ने क्या बनाया? What we have made. जो आदमी के द्वारा बनाया गया है वो चीजें हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एज वेल एज जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, दार्शनिक स्थल हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, या ताजमहल कहो या फिर और बहुत सारा चीज है, इंडिया गेट है, जो भी मोन्यूमेंट्स है, जो पुराने अवशेष हमारे पास बचे हुए, ये चीजें। इसके अलावा दूसरा होता है ह्यूमंस। अब जो ह्यूमंस ने क्या किया तो इसका एक कंप्लीट चेन है। मानव जाति, मानव जाति मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से निर्माण के बाद क्या होता है, यही परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर कम्युनिटी बन जाती है और यही कम्युनिटी बाद में जाकर रिलीजन, धर्म का रूप ले लेता है, धर्म का रूप ले लेता है और फिर बाद में इसी धर्म के लोगों को पढ़ाने के लिए कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम का निर्माण होता है, एजुकेशन सिस्टम का निर्माण होता है जहां लोग पढ़ाए जाते हैं और फिर इसके बाद समाज में स्थितियां पैदा होती है, लोगों का लेन देन आदान प्रदान बढ़ता है और इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, यानी कि समझो कि व्यापार की लेन देन की गतिविधि, इकोनॉमिक व्यापार तंत्र का वृद्धि होता है और अंत में जाकर इन सब चीजों को समाहित करने के लिए एक राजनीतिक तंत्र का विकास होता है, जिसके चलते कंप्लीट इन्वायरमेंट। अब बात यह उठता है कि आखिर हमने इतनी बात कही क्यों। बच्चों अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, जितना बताया है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा हमने सारा बोर्ड पर लिख दिया है, अब तुम लोग इसको अपनी कॉपी पर उतार लो और पढ़ने की कोशिश करो। और SMPS जो मेरा YouTube का चैनल है उस पर जाकर के इसको देखो,